हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फन एंड गार्डनिंग। आज मैं आपके साथ जो प्लांट लेकर के आया हूँ ये हेमिलिया है। इसको आपने ज़रूर देखा होगा सड़क के किनारे या फिर गार्डन में या पार्क्स वगैरह में। ये बहुत ही कॉमन प्लांट है और आपको इजीली नर्सरी में अवेलेबल हो जाएगा। सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसकी ये जो लीव्स देख रहे हैं आप, ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। ये देखिए कितनी सुंदर इसकी लीव्स हैं। इसमें एक और नर्सरी में आपको वैरायटी मिल जाएगी। वो जो वैरायटी होती है उसमें जो है छोटी लीव्स होती हैं, और ये वाली जो मेरे पास वैरायटी है इस पर ये देख सकते हैं आप, इस पर बड़ी लीव्स है और ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने में लगती है। इस पर जो फ्लावरिंग होती है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। इस पर अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इस पर कटिंग की थी, प्रूनिंग की थी, ताकि इसकी जो है और भी ज़्यादा न्यू लीव्स आए। तो आप ये देख सकते हैं इस पर ये न्यू लीव्स आ रही हैं मेरे इस प्लांट पे, और मेरा ये प्लांट जो है काफ़ी ज़्यादा घना और भूसी भी हो रहा है ये प्लांट मेरा। ये आप ये देखिए इस पर और भी न्यू ब्रांचेस भी आ रही हैं। तो आज हम इसी प्लांट से रिलेटेड आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे जिससे आप भी अपने इस प्लांट की अच्छे से केयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए इस प्लांट से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। यह आपको नर्सरी में बहुत ही चीप प्राइस में अवेलेबल होता है। यह आपको नर्सरी में बस 50 से 60 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा। यह आपको इस प्लांट की कोई ज़्यादा खास केयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर देखने में भी लगता है। और इसका नाम जो है वो हेमिलिया फायर बुश के नाम से है। इसकी जो फ्लावर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं जैसे फायर क्रैकर्स होते हैं, कुछ इस प्रकार से इसकी फ्लावरिंग होती है। वो आपने थंबनेल में ज़रूर देखा होगा। अभी इस पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है क्योंकि मैंने वो फ्लावरिंग हटा दी ताकि इस पर और भी नए लीव्स आएँ। या आप ये देखिए इस पर न्यू लीव्स आ रही हैं, इसलिए मैंने जो है इसकी प्रूनिंग कर दी थी इस प्लांट की अभी। और अभी बरसात का सीज़न है तो मेरा ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रो भी कर रहा है। तो इसको आप अपने नर्सरी से ला करके ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। ये प्लांट जो है आपके गार्डन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक देगा और ये बहुत ही लॉन्ग टर्म तक चलने वाला प्लांट है। ये प्लांट जल्दी मरता नहीं है और इसकी ज़्यादा कोई खास केयरिंग करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। इसको आप साल में बस 2 से 3 बार खाद देंगे तो इसके लिए बहुत होगा। ये देखिए ये मैंने गमले में लगाया हुआ है ये छोटा सा प्लांट, और ये काफ़ी अच्छे से इसी में ही ग्रो कर रहा है और इसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस भी आ रही हैं। अगर आप इसको मिट्टी में लगाते हैं तो आपका ये प्लांट जो है काफ़ी ज़्यादा बुशी हो जाएगा, काफ़ी सारी इसमें झाड़ जैसा बन जाता है ये प्लांट। आप इसको अगर गमले में लगाएं तो ये प्लांट जो है इसकी कटिंग ज़रूर करें ताकि इसकी जो है न्यू लीव्स इस पर आती रहें, और इस पर जो है फ्लावरिंग जो है आपको सालों साल देखने को मिलती है। बस सर्दियों के सीज़न में ये थोड़ा सा अपनी ग्रोथ रोक देता है और उस टाइम ये थोड़ा सा डोरमेंसी में के पीरियड में चला जाता है, लेकिन जैसे ही बरसात आता है, समर का सीज़न आता है, ये प्लांट जो है वापस से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है और फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर देता है। इसको आपको डेली पानी देना है दोस्तों। अगर आप इसको गमले में लगाते हैं तो इस प्लांट को आपको डेली पानी देना है, और अगर आपने ये प्लांट ज़मीन में लगाया हुआ है तो इसको आप 2 से 3 दिन में भी पानी देंगे तो इसके लिए बहुत होगा, काफ़ी होगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर इस प्लांट को पानी की कमी होती है तो ये अपनी सारी लीव्स जो है वो झुका देता है, सारी लीव्स इसकी कुछ इस तरीके से झुक जाती हैं, तो आप समझ जाइए कि इस प्लांट को पानी की कमी है। आप इसको फुल डे की सन में रख सकते हैं। ये मेरा प्लांट अभी फुल डे की सन में है, लेकिन आप इसको ज़्यादा तेज़ धूप में ना रखें जैसे मई जून की जो गर्मी होती है, क्योंकि अगर आपका प्लांट छोटा है तो इसको आप फुल डे की सन ना दें मई जून वाली गर्मी से बचाएं, क्योंकि उसमें जो है इसकी लीव्स जो है वो बर्न करने लग जाती हैं, जलने लग जाती हैं। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। इसको बस 4 से 5 घंटे की भी धूप मिलेगी तो इस प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा होता है और ये उसमें काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करता है। ये देखिए ये कितना सुंदर ये इसके लीव्स लग रही हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल इसकी लीव्स होती हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं इसकी लीव्स, और काफ़ी तेज़ी से ये प्लांट जो है आपका ग्रो भी करता है। इसके नर्सरी में दोस्तों आपको बॉन्साई भी मिल सकते हैं, इसके बॉन्साई भी बनाए जाते हैं, क्योंकि इसकी जो स्टेम होती है ये हार्डवुड होती है तो इसकी कटिंग कर करके काफ़ी लोग इसकी जो है वो बॉन्साई लुक भी इसको देते हैं इस प्लांट को। ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है, जिस तरीके से फाइकस का प्लांट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी स्टेम मोटी हो जाती है, उसी तरीके से इस प्लांट की भी स्टेम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी हो जाती है और ये प्लांट भी काफ़ी अच्छा सुंदर
लुक देता है एक पेड़ के जैसा, ये भी बन जाता है। तो आप इसको बॉन्साई भी बना सकते हैं। आप इस प्लांट को वर्मी कंपोस्ट देते रहें, वर्मी कंपोस्ट इसके लिए काफ़ी अच्छा होता है, उसमें ये प्लांट जो है आपका काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। इसमें मैं खाली अभी मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट ही ऐड किया है जब से नर्सरी से लाया हूँ, और इस प्लांट को लगभग एक साल से ऊपर हो चुका है और ये प्लांट मेरा काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, काफ़ी तेज़ी से बड़ा भी हो रहा है और हेल्दी और बुशी भी हो रहा है मेरा ये प्लांट, और काफ़ी अच्छा लुक भी दे रहा है मेरे इस गार्डन को। तो आप भी अपने इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं, और इसको आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, उसमें भी जो है ये प्लांट आपका काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। आप इसको 20 से 25 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र और हर दो महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट एक मुट्ठी डाल देंगे। अगर आपका प्लांट जो है छोटा है तो उसमें ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर जाएगा और काफ़ी तेज़ी से बड़ा भी होगा। सर्दी के मौसम में इस प्लांट को आप ज़्यादा ओवर वाटरिंग से बचाएं, क्योंकि ये जो है ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से ये प्लांट जो है वो ख़राब होने लग जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आपको सर्दी में बस इसको 2 से 3 दिन में एक बार पानी देना है, और पानी भी आपको जब ही देना है जब इसकी मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए। ये आप ये देखिए, ये मेरी मिट्टी अभी सौगी है, अभी हल्की गीली है। इसको हल्की सौगी मिट्टी पसंद है, वेल ड्रेन्ड सॉइल बना करके दें आप जब भी दें। एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा आप रिवर सैंड मिला करके भी देंगे तो इसमें भी ये जो प्लांट है काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। ये आप जब नर्सरी से इसको लाएंगे तो आपको ये चिकनी मिट्टी में भी लगा हुआ मिल सकता है, उसमें भी ये प्लांट जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो कर जाता है। लेकिन आप फिर भी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो आप जो है वो कुछ दिनों के बाद वो मिट्टी को चेंज कर दें। आप अपनी मिट्टी खुद की तैयार करें, अच्छे से वेल ड्रेन सॉइल बनाएं, और गमले में ड्रेनेज होल का खास ख्याल रखें। उसमें जो है आपका ये प्लांट जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और बुशी भी होगा, और इस पर काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग होती है जो इसको फायर बुश के नाम से भी जाना जाता है। उस तरीके के फ्लावर भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको ये प्लांट दोस्तों कहीं पे भी दिखे तो आप इसकी छोटी सी भी कटिंग ले सकते हैं, जैसे ये जो आप देख रहे हैं स्टेम, आप ये वाली स्टेम भी ले सकते हैं इसकी, या आपको इस टाइप की स्टेम मिल जाए तो आप एक छोटी सी स्टेम ले लें। आप जब भी इसकी कटिंग लगाएं तो 4-5 कटिंग लगाएं, क्योंकि अक्सर जो है कटिंग जो है सारे प्लांट्स की नहीं लग पाती है, उसमें एक दो ही सक्सेसफुल होती है, बाकी कटिंग्स ख़राब हो जाती है। तो आप इसको कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आप इसकी कटिंग जब भी लगाएं वो आप बरसात के सीज़न में ही लगाएं, उस टाइम ये जो है अपनी ग्रोथ ले लेता है और ये प्लांट जो है आपका ईजी टू ग्रो होने लग जाएगा। तो आप इसको जब भी प्रोपगेट करें तो आप बरसात के सीज़न में ही करें, तो ये प्लांट आपका काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने लग जाएगा। बस यही कुछ बातें थी दोस्तों इस प्लांट से रिलेटेड। आप इसको पानी डेली दें अगर आपका ये प्लांट गमले में लगा हुआ है, और आप इसको 5-6 घंटे की धूप दें। आप इसको ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर से बचाएं, ज़्यादा ठंडे एरिया से भी बचाएं और ज़्यादा गर्म एरिया से भी बचाएं इसको, क्योंकि ये जो है अपनी लीव्स वहाँ बंद करने लग जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, प्लांट्स की केयर करना काफ़ी अच्छी बात होती है। आप प्लांट्स की केयर करोगे आपका प्लांट जो है काफ़ी ज़्यादा दिनों तक आपके साथ लंबे समय तक बना रहेगा, और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और बुशी भी होगा आपका प्लांट। और दोस्तों यही कुछ बातें थी। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर दें। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।